गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कल्स, ठीक है। और आज हम इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। दिस इज पार्ट 2। इफ यू हैव नॉट सीन पार्ट 1, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आज हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में थ्योरम्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? थ्योरम्स करने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, और इन्हीं के रिजल्ट्स के ऊपर आपका आगे के क्वेश्चंस जो हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं, इसी पर बेस्ड हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला थ्योरम जो है, दैट इज रिगार्डिंग इक्वल कॉर्ड सबटेंडिंग सबटेंडिंग एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। तो क्या कहता है थ्योरम, क्या कहता है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम? स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम सेज दैट इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो अगर मेरे पास, देखो डायग्राम में देख रहे हैं, अगर मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, कौन कौन सा कॉर्ड है? ए बी एक कॉर्ड है और दूसरा कॉर्ड मेरे पास सी डी है। अगर ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, मतलब इनका लेंथ अगर इक्वल है, तो अगर इनको सेंटर से जोड़ेंगे तो ये जो एंगल बना रही है एट सेंटर, वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल। अगर ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी होना चाहिए, हमेशा होगा ही होगा, ये थ्योरम कहती है, ठीक है। तो गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। गिवन क्या है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये मुझे क्या है? ये चीज मुझे दी हुई है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज गिवन, ठीक है। अब मुझे टू प्रूफ क्या करना है भाई? टू प्रूफ मुझे करना है, एंगल जो है ए ओ बी इज इक्वल टू माई एंगल सी ओ डी, ठीक है। ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, ये मुझे प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करना इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये पॉइंट ऑन द सेंटर और ये मेरा सेंटर, सॉरी ये पॉइंट ऑन द सर्कल एंड दिस इज माय सेंटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेडियस, ठीक है। ऐसे ही दिस इज ऑन द सर्कल एंड दिस इज सेंटर, सो दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस, भाई ठीक है। अब ये क्या हो गया? पहला साइड और ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो मेरी चारों साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, और तीसरी साइड तो भाई मुझे दी ही हुई है, ए बी इज इक्वल टू सी डी मुझे दिया ही हुआ है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ही ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एस 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 रूल, ठीक है। साइड 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 रूल से दोनों ही ट्राइंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो गए तो मेरे सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे इसके, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा फ्रॉम द रूल ऑफ सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्कुरेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भाई इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो प्रूफ तो मैंने आपको समझा दिया, अब लिखते कैसे हैं? इसको देखो, ए बी जो है, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी भाई रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी वो भी रेडियस है, ठीक है। अब मेरे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी ये भी दिया हुआ है, तो दोनों ही ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस 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 रूल, और उससे क्या हो जाएगा फिर? मेरा ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी बाय सी पी सी सी, ठीक है। तो जो चीज मैंने बोली थी वही सारी चीजें यहाँ पर मैंने लिख दी है ना, तो ये इससे मेरा प्रूफ हो गया, जो मुझे प्रूफ करना था एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये मेरा प्रूफ हो गया। अब इसी का जस्ट रिवर्स का थ्योरम है, मतलब उल्टा थ्योरम है। अब कह रहा है कि मेरे एंगल्स इक्वल हैं तो बताओ मेरी कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाएगी। अगर सेंटर पे एक कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा तो मेरी कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो थोड़ा नीचे चलते हैं, डायग्राम को देखते हैं, फिर जल्दी से समझ में आ जाएगा क्विकली, है ना। तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, ये है मेरा सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल, दिस इज माय सेंटर, और मेरे पास एक कॉर्ड है भाई ये वाली, और दूसरी कॉर्ड में इस साइड बना लेती हूँ, है ना।
और ये वाली। अब मेरे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। तो दिस इज ए बी, दिस इज सी डी, डन। और ये ओ, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज गिवेन, गिवेन में अब मेरे पास क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। ए ओ बी जो किस है वो सी ओ डी के बराबर है। अब देखो बहुत ही इजी है, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दिस टू रे सेंटर, ठीक है, ऑन द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल आर, ऑन द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल आर, ऑन द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल आर, एंड दिस इज व्हाट आर एज वेल। अब देखो ये वाला जो साइड है ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, और बीच का एंगल, तो बाय एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हो गए ना कॉन्ग्रुएंट, भाई साइड एंगल साइड रूल से दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके सभी पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। और पार्ट्स इक्वल हो गए तो हमारे को प्रूफ क्या करना था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो टू प्रूफ में हमने क्या करना था, टू प्रूफ में हमने करना था ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये टू प्रूफ करना था, तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये हमारा किससे इक्वल हो जाएगा, सी पी सी टी से, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, ठीक है। तो चलो अब जो हमने बोला है, जो हमने समझा है, उसको जल्दी से लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये है इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी रेडियस है, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी ये भी रेडियस है, और एंगल ए ओ बी सी ओ डी के बराबर है, ये कहाँ से है, ये गिवन है। तो मेरे पास दोनों ही ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय एस ए एस रूल, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सभी पार्ट इक्वल होंगे, तो ए बी भी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ये कौन सा होगा, फ्रॉम सी पी सी टी, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम्स इम्पॉर्टेंट थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे, बट इससे पहले एक और वीडियो आएगा जिसमें हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों के साथ मिलेंगे। तब तक सभी बच्चे पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे देखो एग्जाम तो आपको फिर भी देना पड़ेगा, ठीक है, इस साल आपका 9th है, दिस इज द बेस, अगर बेस क्लियर नहीं हुआ तो 10th में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि पढ़ाई करते रहे, कोई चीज ना समझ में आए तो प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लो, गूगल क्लासरूम में मैसेज करके पूछ लो, बट यू कैन आस्क, ठीक है, और चीजें पूछ लो, क्लियर कर लो, काम करते रहो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं, उनको सॉल्व करना चाहिए, सो प्लीज ट्राई टू कोप अप विद द सिलेबस, एंड दिस इज ओनली द सॉल्यूशन टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स तो अच्छे चाहिए चाहिए, देखो मार्क्स के बिना काम नहीं चलेगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 10.2 के साथ, तब तक सभी बच्चे पढ़ाई करते रहेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू बच्चों।